गाइस, जैसे कि आप जानते होंगे कि न्यू ईयर आने वाला है, नया साल आने वाला है 2021, तो आज उसके अकॉर्डिंग मैं मेकअप लेकर आई हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि न्यू ईयर के अकॉर्डिंग मेकअप हम कैसे करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी मॉइस्चराइजर। तो मैं जो भी प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रही हूँ उनका जो डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। और अब मैं अप्लाई करूंगी यहाँ पर मेकअप बेस। तो ये एक ग्लॉसी लुक देगा, स्किन को ग्लो करेगा। और अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। तो बहुत अच्छे तरीके से ईयर्स को, नेक को भी कवर करूंगी फेस के साथ। और अप्लाई करूंगी कंसीलर। जहां पर भी मेरी स्किन थोड़ी डार्क है वहां पर मैं अप्लाई कर रही हूं। तो आपको आज का मेकअप जो है मैं दो तरीके से दिखाने वाली हूँ, काजल एंड विदाउट काजल। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से ये मेकअप किया है। तो अब जैसे कि कंसीलर अप्लाई हो गया है तो मैं मेकअप को लॉक कर देती हूँ कॉम्पैक्ट यूज करके। और अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी आईब्रो पेंसिल से। तो आईब्रोज को एक अच्छा सा शेप दूंगी मैं। तो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से आईब्रोज को शेप दे रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर मेकअप करने वाली हूँ आईज का। तो आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पर पहले कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ आईलेट्स पर। और आईलेट्स पर कंसीलर अप्लाई करने के बाद जो भी हम कलर अप्लाई करते हैं ना, बहुत अच्छा शेड आता है उसका, इसीलिए मैंने यहाँ पर कंसीलर अप्लाई किया है। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी डार्क ब्राउन शेड। डार्क ब्राउन शेड के साथ मैं अप्लाई करने वाली हूं यहां पर ग्रे शेड, क्योंकि न्यू ईयर ईव के अकॉर्डिंग मेकअप कर रही हूं तो थोड़ा सा ग्लोइंग मेकअप होना चाहिए, ग्लॉसी मेकअप होना चाहिए और शिमरी मेकअप होना चाहिए। और अब मैं यहाँ पर ग्रे शेड अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल मिडिल पार्ट पर आईज के। तो आईलिड्स के बिल्कुल मिडिल पार्ट पर मैंने अप्लाई किया ग्रे शेड और मैं यहाँ पर कॉन्टोरिंग कर रही हूँ डार्क ब्राउन शेड से। बहुत हल्का सा ही मैंने किया है, ज़्यादा इसको मैंने उस तरीके से नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा सा एक लुक आ जाता है कंटूरिंग करने से, फेस को एक बहुत अच्छा सा शेप मिल जाता है। और अब मैंने यहाँ पर ना एक येलो शेड लिया है, हल्का सा टचअप दिया है उससे मैंने, क्योंकि एक बहुत अच्छा सा ग्लोइंग शेड आता है उससे स्किन पर। और अब यहाँ पर मैं पीच शेड का ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई किया मैंने।
बहुत अच्छे से मैंने हाईलाइट किया है, जिससे कि मेरा जो फेस है वो बहुत अच्छा सा ग्लो करे। और अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर। तो देखिए, इस तरीके से आईलाइनर अप्लाई करने से आईज जो हैं बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं, बड़ा शेप दिखता है आईज का। तो आईलाइनर लगाने से आईज पर बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि हम अपनी आईज को किसी भी तरीके का लुक दे सकते हैं, किसी भी तरीके का शेप दे सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर लोअर लैश लाइन पर मैं यहाँ पर हल्का सा डार्क ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ विदाउट काजल। तो आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर काजल अप्लाई नहीं किया है। और अब यहाँ पर मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ रेड शेड की। तो आप देख सकते हैं, और मैंने इयररिंग्स पहन लिए हैं। और यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। तो मैंने यहाँ पर ब्लू एंड ब्लैक दोनों ही शेड के मस्कारा अप्लाई किए हैं। और इसके बाद जब मैं काजल अप्लाई करूंगी तो उसके बाद मैं अप्लाई कर लूंगी आईलैशेस भी। तो ये ब्लू कलर का शेड अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा का। तो यहाँ पर दोनों ही लुक आप देखने वाले हैं, काजल एंड विदाउट काजल। तो ये है विदाउट काजल लुक, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं अप्लाई कर लूंगी काजल, तो आप देख सकते हैं काजल के साथ भी। तो मैंने दोनों ही तरीके से आपको मेकअप लुक दिखाया है। और उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे मेरा फाइनल लुक।